दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक नई एक्सरसाइज एफ व्हील एक्सरसाइज पे है। एफ व्हील फोर व्हील भी हो सकते हैं, टू व्हील भी हो सकते हैं और सिंगल व्हील भी हो सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी एप्स के लिए तो अच्छी है ही है, आपकी कोर के लिए तो अच्छी है ही है, साथ में इसकी पोजिशनिंग काफी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर पोजिशन में अगर आप एफ व्हील कर रहे हैं तो आपके शोल्डर, आपके लेटर सिमस और आपके लोअर बैक के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज की सबसे मेन चीज है इसकी पोजिशनिंग, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टार्टिंग पोजिशन पे आता हूँ। इसकी स्टार्टिंग पोजिशन है आपको अपने कमर की कर्विंग करना है ऐसे। ये बहुत ही गलत पोजिशन है, बहुत से लोग इस पोजिशन में एवरी करते हैं। ये आपको स्पाइन के काफी नुकसानदायक है, यहाँ आपको इंजरी हो सकती है। तो इसकी पहली पोजिशन है आपकी कमर की कर्विंग। कर्विंग के साथ में आपका एंगल, ये हिप आपका पीछे नहीं होना चाहिए, ये हिप आपका आगे नहीं होना चाहिए। इसका प्रॉपर एंगल 90 डिग्री आपके पैरों में और लगभग 90 डिग्री आपके हिप और आपके वेस्ट में। अपने हाथों को, आपके जो हाथ है इसको शोल्डर से ऐसे रखने पे ये पीछे आ सकता है, आपको फेस पे इंजरी हो सकती है। इसलिए आपको इसको अपने शोल्डर से आगे रखना है, इसको पीछे नहीं रखना है, शोल्डर से थोड़ा आगे रखना है। सेकंड चीज आती है पोजिशनिंग के बाद इसकी मूवमेंट की। मूव करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर और आपका हिप साथ में मूव होना चाहिए। जैसे देखिए, आपको शोल्डर हिप को अलग अलग मूव नहीं करना है, जैसे कुछ लोग इस टाइप से करते रहते हैं, ये भी गलत पोजीशन है। कुछ लोग इस टाइप से करते हैं, ये भी गलत पोजीशन है। आपका शोल्डर और आपका हिप एक साथ मूव होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। एक बार फिर से देखिए, दूसरी चीज आपको अपने हिप को पीछे नहीं ले जाना है। उसके लिए शुरुआती लोगों के लिए मैं चीज बता देता हूं, वो किसी का सहारा, किसी स्टूल या किसी चीज का सहारा ले सकते हैं। मैं इस बेड का सहारा ले रहा हूं। अब आप अपने हिप को एक बार बेड के कांटेक्ट में ले आइए। अब इस चीज से आपको पीछे नहीं जाना है, तो इससे आपको प्रॉपर एक चीज मिल जाएगी, अपनी कमर की कर्विंग। व्हील को शोल्डर से थोड़ा सा आगे, पूरा लोड व्हील पर, टमी टाइट करना है, टमी टक करना है सॉरी, और उसके बाद मूव करना है। अब आपका हिप अगर पीछे जाता है तो जब आपके ये कॉन्टेक्ट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसमें आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, कुछ लोग अपने पैरों को ऐसे ऊपर उठाकर ये एक्सरसाइज करते हैं, ये भी गलत नहीं है, पर बेटर है आपके पैरों को आप जमीन पर टच करके एक्सरसाइज करें। ये भी आपके कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो कोशिश करें एक प्रॉपर पोजीशन में आप इस एक्सरसाइज को करें।